वेलकम बैक फ्रेंड। तो इस समय सभी की निगाहें बिहार में 18 अप्रैल के बाद स्कूल कॉलेज कोचिंग खोलने को लेकर टिकी हुई हैं। लेकिन जहां तक अब आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण काफ़ी बेकाबू होता जा रहा है। इस संक्रमण के कारण लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं और अब यहाँ पर क्या होगा आगे ये कहना फिलहाल तो मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 अप्रैल को राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस बैठक में कोरोना को रोकने के लिए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। क्या है मुद्दा, क्या होगा फैसला, इस सभी बातों को बताएंगे। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस में। इस वीडियो को पूरी तरह से देखें क्योंकि खास रिपोर्ट आपके लिए लाया हूँ और यहाँ पर सभी लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खास खबरों की नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिल सके। तो चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कोरोना को रोकने के लिए यहाँ पर कई पाबंदियाँ भी लगाई जा सकती हैं और मुख्यमंत्री ने पिछली बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही साफ कहा था कि नाइट कर्फ्यू पर भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल बिहार में जिस रफ्तार से कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है उसे देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाए जा सकते हैं। शादी में मेहमानों की संख्या को कम किया जा सकता है और भी कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि अभी राज्य में शाम 7 बजे के बाद व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश है और साथ ही साथ स्कूल कॉलेज भी 18 अप्रैल तक बंद किए गए हैं। लेकिन बहुत जल्द ही बिहार सरकार और भी कई तरह के फैसले ले सकती है ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। तो यहाँ पर फिलहाल नाइट कर्फ्यू पर ज़्यादा विचार किया जा रहा है और हाल ही में CBSE ने भी बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है। 10वीं की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और 12वीं की परीक्षाएं टाली जा चुकी हैं। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र और कई जगहों पर भी बोर्ड परीक्षाएं एक एक करके रद्द की जा रही हैं या फिर स्थगित हो रही हैं। तो हालात यहाँ पर अच्छे नहीं हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए और इसके चैन को तोड़ने के लिए कुछ अलग तरह की पाबंदियाँ लगाई जा सकती है। यहाँ पर कल जो बैठक होगी उसमें यहाँ पर काफ़ी कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जैसा भी होगा यहाँ पर फिलहाल अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी निर्णय होगा इस वीडियो में यहाँ पर हम जानकारी जरूर देंगे और बने रहिए इस चैनल पर ताकि खास खास खबरों की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।